सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इसमें अगला हमारा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो याद रखिए 24 कैरेट का। अगला हमारा किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है, तो याद रखिए ओम का नियम। अगला हमारा स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो याद रखिए एमीलेस, एमीलेस। अगला हमारा परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो याद रखिए पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला हमारा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, तो याद रखिए आइंस्टीन ने। अगला हमारा आग लगाने वाले नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है, तो याद रखिए नेप्थेनेट पामी टेट। अगला है हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए कार्बन फाइबर। अगला है जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है, तो याद रखिए बर्नौली का नियम। अगला है वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है, तो याद रखिए आर्द्रता बढ़ जाने पर। अगला है आंसू में कौन सा एंजाइम होता है तो जिससे जीवाणु मर जाते हैं, तो याद रखिए लाइसोजाइम। अगला है परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम मूल अंतर क्या है, तो याद रखिए परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। अगला है किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो याद रखिए 4 गुना, 4 गुनी। अगला है हमारा किसी की किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है, तो याद रखिए घर्षण की। अगला है हमारा झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्प्रेक्ष बल क्या होता है, तो याद रखिए नियत रहता है। अगला है हमारा बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है, तो याद रखिए विकिरण से। अगला है अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता, तो याद रखिए कम हो जाती। अगला है हमारा किसके कारण खुले में रखा दूध देर बाद खट्टा हो जाता है, तो याद रखिए लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। अगला है हमारा अभ्यक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है, तो याद रखिए सुचालक कुचालक। अगला है हमारा जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनकी कौन सी प्रक्रिया होती है, तो याद रखिए नाभिकीय संलयन। अगला है हमारा पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है, तो याद रखिए 11.2 किलोमीटर सेकंड। अगला है हमारा अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखिए क्रायोनिक्स। अगला है किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है, तो तारे के ताप से। अगला है रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है, तो याद रखिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO D2O। अगला है हीलियम को छोड़कर सभी अपक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिए 8। अगला हमारा हीरा और ग्रेफाइट किसके ऊपर रूप है, तो याद रखिए कार्बन के। अगला हमारा किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है, तो याद रखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में। अगला हमारा न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है, तो याद रखिए तंत्रिका, तंत्रिकी इकाई। अगला हमारा लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, यूरेनॉल कहलाता है। अगला है हमारा आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिए इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा जल में विकास का वेग कितना होता है, तो याद रखिए 2,25,000 मिली सेकेंड, मिलीमीटर सेकेंड। अगला है एक पारसेक में कितने मीटर के बराबर होता है, तो याद रखिए एक एक पारसेक बराबर 3.09 × 10^16 मीटर। पारसेक दूरी का मात्रक है जो पारलेक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है, पारा एक। अगला क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकांड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया, तो याद रखिए सी बेंडा ने। अगला हमारा वेस्ट्रिक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी में क्या है, तो याद रखिए संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैक्सेक्टोमी और महिलाओं की नसबंदी को
ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगला है हमारा साबुन घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, तो याद रखिए प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। अगला हमारा विटामिन ए का संग्रह किस अंग से में होता है, तो याद रखिए यकृत में। अगला है हमारा यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से सहयोग करता है। अगला हमारा जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया, तो याद रखिए कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। अगला हमारा मधुमक्खी की भाषा का अनुवादक करने वाला वह वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखिए कार्ल वान फिस्ट। अगला किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से। अगला खसरा रोग किससे फैलता है, तो याद रखिए वायरस से। अगला इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो याद रखिए वेंटिंग बेस्ट ने। अगला हमारा हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो याद रखिए बिना मिट्टी वाले पानी की खेती से। अगला कॉड लीवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है, तो याद रखिए विटामिन ए तथा विटामिन डी का। अगला है किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, तो याद रखिए 40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है जो जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है, यह नियम कहलाता है, तो याद रखिए ऊष्मा गति का गति की शून्यांक नियम। अगला है रमन विभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ, यस वह संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था, तो याद रखिए अल्फा किरणों के। अगला है पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिए स्टांसियम के कारण। अगला है जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो याद रखिए संवेग संरक्षण के आधार। अगला हमारा जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो याद रखिए W. जॉन सैन ने। अगला है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है, तो याद रखिए सिलिकॉन। अगला है हमारा भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो याद रखिए बंगलोर में। अगला है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो याद रखिए मेथाइल आइसोसाइनेट। अगला है कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी है, तो याद रखिए अनंत। अगला है हमारा यदि कोई व्यक्ति दूरी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, तो याद रखिए निकट दृष्टि। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है, तो याद रखिए स्टेपेडियस। अगला है पौधे के किस भाग में परागकणों का निर्माण होता है, तो याद रखिए फूल। अगला है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो याद रखिए 25.4 मिलीमीटर। अगला है LPG का पूरा नाम है, तो याद रखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला है हमारा लाल नारंगी पीले हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है, तो याद रखिए हरा रंग। अगला है हमारा चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा गया, तो याद रखिए हिप्पोक्रेटस को। अगला है हमारा आनुवांशिक के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है, तो याद रखिए ग्रेगोर मेंडल को। अगला है मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिए स्तनधारी जंतुओं का। अगला है ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है, तो याद रखिए सड़ी मछली की तरह। अगला है हमारा बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से है, तो सोडियम टेट्राबोरेट। अगला है मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, तो याद रखिए मैगेट। अगला है बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं, तो याद रखिए क्रॉप जड़े। अगला है फार्मा कोग्नोसी के अध्ययन में किया जाता है, तो याद रखिए औषधीय पौधों का। अगला है हमारा कैलोमल का रासायनिक नाम है, तो याद रखिए मर्क्यूरस क्लोराइड। अगला है हमारा गैलीनियम दूरदर्शी के अभिदेशक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की दूरी 2 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी, तो याद रखिए 58 सेंटीमीटर। अगला है तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो याद रखिए नाभिकीय संलय। अगला है मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था, तो याद रखिए चिप ब्लेंडर से। अगला है रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे पेड़ की पत्तियों का उपयोग करता है, तो याद रखिए शहतूत की पत्तियों का। अगला है हमारा खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है, तो याद रखिए हाइड्रो
हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया। अगला है ध्रुवण की किस प्रकार की तरंगों का गुण है, तो याद रखिए अनुप्रस्थ तरंगों का। अगला है हमारा धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है, तो याद रखिए उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। अगला हमारा कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर हेतु किंतु भारत में उससे लगभग आधी होती है, तो याद रखिए ट्राइटेनियम। अगला है फिलाग्र शेग रोग किसकी कमी से होता है, तो याद रखिए नियासीन। अगला है 14 वाष्प घनत्व वाले गैस का आणविक भार कितना होगा, तो याद रखिए 28। अगला है हमारा सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो याद रखिए तांबा। अगला हमारा बीषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिए स्टेनले को। अगला है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं चूना। अगला है हमारा स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने का एंजाइम है, तो याद रखिए एमाइलेज। अगला है किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है, तो याद रखिए अग्नाशय। अगला है हमारा अवतलोत्तर लेंस होता है, तो याद रखिए अभिसारी या अपसारी अभिसारी होता है। अगला है प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह किसका नियम कहलाता है, तो याद रखिए फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अगला है प्रोजिस्टोन की खोज कब किसने की, तो याद रखिए 1932 में एंडरस ने। अगला है हमारा किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो याद रखिए पिटवा लोहे में। अगला है हमारा वाटर गैस किस दो गैसों के मिश्रण की होती है, तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। अगला हमारा एंटी पायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो याद रखिए शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए। अगला है हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है, तो याद रखिए वॉटसन एंड किक। अगला हमारा रॉबर्ट कोच खुद 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला, तो याद रखिए सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। अगला है हमारा टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो याद रखिए विटामिन ई का। अगला है कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग है, तो याद रखिए छोटी व बड़ी आंत। अगला है हमारा कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है, तो याद रखिए गहरा नीला। अगला है हमारा रॉकेट के ऊपर जाने के सिद्धांत है, तो याद रखिए रेखीय संवेग का संरक्षण। अगला है हमारा डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं हैं, तो याद रखिए तांबा जस्ता। अगला है नीले लेटमस पथ को लाल कौन करता है, तो याद रखिए अम्ल नीले लेटमस पथ को लाल कर देता है। अगला है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो याद रखिए डार्विन ने। अगला है हमारा पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, तो याद रखिए नाइट्रोजन। अगला है हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, तो याद रखिए पौधों के मृदाविहीन संवर्धन को। अगला है हमारा जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, तो याद रखिए वारा मैकली टॉन टॉक ने। अगला है मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी क्या है, तो याद रखिए हेपेरिन। अगला है मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिए आंख। अगला है पलवन करती हुई वस्तु का भार होता है, तो सुन। अगला है हमारा दो आवेश चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है, तो याद रखिए दोनों समान वैभव पर। अगला हमारा जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो याद रखिए वायरस। अगला हमारा केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो याद रखिए रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला है डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का। अगला हमारा डीएनए की द्वि कुंडलित संरचना किसकी दी है, तो याद रखिए वॉटसन एंड किक ने। अगला है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, तो याद रखिए सेक्रोज। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो याद रखिए मंदक के रूप में। अगला है लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है, तो याद रखिए होलोग्राफी। अगला है गन मेटल के संघटक तत्व है, तो याद रखिए तांबा टिन जस्ता। अगला है सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है, तो याद रखिए रिफ्लेसिया का। अगला हमारा एक्सो बायोलॉजी जिसका अध्ययन कहलाता है, तो याद रखिए अन्य ग्रहों के जीवों का। अगला है पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है, तो याद रखिए थकान महसूस होती है। अगला है
कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए सैंड फ्लाई के द्वारा। अगला हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो याद रखिए ऊर्जा का। अगला हमारा फास्ट वीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। अगला है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? तो याद रखिए दृष्टि विषम। अगला है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है? तो याद रखिए तमिलनाडु में। अगला है लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? तो याद रखिए लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला है अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेतिक है? तो याद रखिए स्ट्रेटोस्फीयर। अगला हमारा टेस्ला किसका मात्रक है? तो याद रखिए फ्लक्स घनत्व का। अगला हमारा ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो याद रखिए हड्डियों को। अगला हमारा कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो याद रखिए एथिलीन एसिटिलीन। अगला हमारा पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो याद रखिए पोटाश की। अगला है हमारा लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है? तो याद रखिए ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक। अगला हमारा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखिए टाइलिन। अगला हमारा जिस स्थिति में रक्त का धक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। अगला हमारा शरीर के किस भाग को स्टेटम कार्नियम कहते हैं? तो याद रखिए सबसे बाहरी परत को। अगला हमारा ऊपरी बाहू की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिए ह्यूमरस। अगला डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया? तो याद रखिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 में। अगला है 4 डिग्री सेल्सियस पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो याद रखिए घनत्व। अगला चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए यूरेनियम। अगला है हमारा किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो याद रखिए लाइसोसोम। अगला है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम से किसका आविष्कार जुड़ा है? तो याद रखिए परमाणु बम। अगला है हमारा सेलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो याद रखिए सिलिका की खदानों में काम करने वाले। अगला है एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल विकास से विकासित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो याद रखिए काली। अगला है हमारा जब जर्मीनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है? तो याद रखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगला है हमारा ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो याद रखिए नरम लोहे का। अगला हमारा रेडियो एक्टिव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखिए हेनरी बेकुरल ने। अगला हमारा यदि किसी कोन के दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिए अपरिवर्तित रहेगी। अगला हमारा पेस मेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो याद रखिए हृदय की गति को। अगला है हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाते हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। अगला हमारा मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए अनुवांशिकता का सिद्धांत। अगला हमारा रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो याद रखिए तंत्रिका तंत्र। अगला हमारा पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है? तो याद रखिए छोटी आंत। अगला है हमारा शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो याद रखिए त्वचा के द्वारा। अगला है हमारा धनुष्टकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ATS एंटोटॉक्सिन सेरम। अगला है हमारा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों उनके वातावरण पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। अगला हमारा मलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो याद रखिए कंगाल तंत्र। अगला हमारा यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाए तो उसका वजन कम क्यों लगता है? तो याद रखिए उत्प्लावकता बल के कारण। अगला
अगला है बिजली की घंटी के विद्युत धारा के प्रभाव का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए चुंबकीय प्रभाव। अगला है अस्थियों एवं कंगाल तंत्र के अध्ययन से कौन शाखा संबंधित है, तो याद रखिए ऑस्टियोलॉजी। अगला है हमारा किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो याद रखिए लाइसोसोम।